हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1। टुडे वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3rd ऑफ एक्सरसाइज 1.1। सो क्वेश्चन नंबर 3rd इज एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स। यानी कि आपको मैं एक बात बताऊं, जो जो नंबर्स दिए हुए हैं उसको आप लोग लिखते चढ़िए। तो 616 मेंबर्स हैं, ठीक है। नाउ इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। तो 32 मेंबर्स एक दिए हुए हैं, आर्मी कंटिंजेंट हैं वो टोटल, उसमें 616 मेंबर्स हैं और इसमें एक आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स है। इन्हें परेड हमको उसको करना है, मार्च करवाना है उनको, 32 मेंबर्स इन ए परेड। ऐसे इस टाइप से कराएं कि टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। दो ग्रुप एक ही नंबर ऑफ कॉलम्स में वो मार्च कर रहे हैं। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन परेड। तो इन दोनों का एलसीएफ सीधे सीधे निकाल लेंगे। तो मैक्सिमम, याद देखिएगा यहाँ पे मैक्सिमम लिखा हुआ, मैक्सिमम यानी कि हाइएस्ट से एलसीएफ, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एलसीएफ। तो हाईएस्ट यानी एचसीएफ, तो एचसीएफ इन दोनों का निकाल देंगे तो हम लोग का निकल जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। मैं अभी यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा से ही अब तक आप लोगों ने पढ़ा था, उसी से मैं ये इसको निकालना सिखाऊंगा। आप और भी कोई मेथड जानते हैं तो उससे भी निकाल सकते हैं। तो यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा या फिर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम कह सकते हैं उसको। तो हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो बट लेस देन बी। तो 616 इज इक्वल टू 32। ओके 32, अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड हम लोग लाइए, अब हम लोग कर लेते हैं डिवाइड इसको। तो 616 डिवाइडेड बाई 32। तो इसको सब एक बार में जाएगा तो 32, 11 माइनस 2 यानी कि 9, 5 माइनस 29 और यहाँ पे 6 बच गया। तो अब ये कितने बार में जाएगा देख लेते हैं हम लोग। 9 बार में जाएगा क्या, 9 बार में करके देख लिया जाए। 9 2 18 और 9 3 जा 27 और 128 ये हो गया। अब 16 में से 8 जाएगा 8, 8 में से 8 जाएगा 0 और 0। तो ये हम लोग का हो गया 32 इंटू 19 और प्लस 8, रिमाइंडर यहाँ पे 8 हो गया। अब हम लोग का ये जो 32 है, दिस 32 बिकम्स डिविडेंड और नाउ 8 बिकम्स डिवाइजर एंड 8 4 जा 32। हम लोग को मालूम है कि 8 4 जा 32। देयरफोर यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो गया। तो यहाँ पर एच सी एफ हम लोग का हो गया, मालूम होगा कि लास्ट स्टेप में जब भी जिस भी डिवाइज़र रखने से रिमाइंडर 0 आता है, वही डिवाइज़र हम लोग का हो जाता है क्या, एचसीएफ हो जाता है। तो यहाँ पे 8, तो 8 हम लोग का एचसीएफ हो गया। तो हम लोग क्वेश्चन में क्या पूछा था, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 8। और हम लोग का ये सॉल्व हो गया, देखिए इतना आसानी से सॉल्व हो गया, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब लेकिन अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4th के ऊपर बात करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4th, यूज यूक्लिड्स डिविजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। देखिए हम लोग को यूक्लिड्स डिविजन लेमा को यूज़ करना है और इसमें लिखा हुआ है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर और स्क्वायर उसका इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। तो हम लोग कोई भी ये शो करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जब स्क्वायर करेंगे वो हमेशा 3m या फिर 3m प्लस 1 के
3m या 3m+1 के फॉर्म में होगा, जहाँ m जो है कोई इंटीजर है। ठीक, एक हिंट दिया हुआ है, उसको भी मैं समझा दे रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर, आप लोग सोच रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 2 के तरह ही है, हाँ है ज़रूर क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह, बट इससे हल्का सा डिफरेंट है, यहाँ स्क्वायर कर दें कहने के वजह से, स्क्वायर ऑफ हम लोग को क्योंकि बताना है। तो लेट, हिंट है, लेट एक्स बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, देन इट इज़ ऑफ द फॉर्म 3q, 3q+1 और 3q+2, नाउ स्क्वायर ईच ऑफ द दीज एंड शो दैट दे कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1। आप लोग को ये देखिए, सेकंड क्वेश्चन में 6q+1 6q के फॉर्म में था, तो हम लोग को 6q+r हम लोग ले लिए इसमें, तो इसमें स्क्वायर वाले में हम इसमें 3m+r नहीं लेंगे, जब स्क्वायर करना रहता है तो ध्यान रखिए वेरिएबल हम लोग हमेशा चेंज कर देते हैं, तो हम इसको कोई किसी भी पॉजिटिव इंटीजर x को हम मान लेते हैं, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर x को हम मान लेते हैं 3q+1 या फिर 3a+1, m छोड़ करके आप कोई भी वेरिएबल ले लीजिए। ठीक, m छोड़ के कोई भी वेरिएबल आप ले लीजिए, तो लेट पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग x इज इक्वल टू, यहाँ पे 3m के फॉर्म में, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 3q, याद रखिएगा, देखिए स्क्वायर है या फिर क्यूब रहे या फिर और अदर कोई पावर रहे, तो हमेशा उसका हम लोग वेरिएबल चेंज कर देते हैं, फिर उसको हम लोग उस वेरिएबल में हम लोग कन्वर्ट कैसे करते हैं उसको मैं बताता हूँ। 3q+r हो गया। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम लोग ये जानते हैं कि r जो है ये 0 से बड़ा या 0 के इक्वल होगा, और या तो 3 से छोटा होगा, यहाँ पे वेयर ये देखिए, ये ऐसे आप लोग को मालूम पड़ गया यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर क्या हो गई, 0, 1, 2, ये तीन वैल्यू हो गई, 3 से छोटा ही रहेगा, तो ये थ्री वैल्यूज हो गई, आराम से हो गई, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग तीनों केस ले लेते हैं, इसमें भी फिर वही होगा, तीनों केस को ले लेते हैं। तो केस फर्स्ट फॉर R इज इक्वल टू 0, तो R इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 3q हो जाएगा, प्लस 0 का कोई वैल्यू ही नहीं, कोई मान ही नहीं। अब हम लोग को स्क्वायर बताना है, याद रखिए स्क्वायर, तो x स्क्वायर हम लोग करते हैं, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का होल का स्क्वायर। ठीक, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 3×3 = 9, 9q² हो जाएगा, ये देखिए 9q² हो गया। तो हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और 3q² ऐसे, ये देखिए 3×3 = 9 और 9q², इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, लेट 3q² इज इक्वल टू m। अब 3q² को हम लोग m मान लेते हैं, ठीक है, चलिए इसको हम लोग m मान लेंगे, तो हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, यहाँ पर 3q² को यहाँ पर, ये इसको हम लोग 3m लिख दिए, इसको m हम लोग मान लिए 3q, तो 3×1 x² इज इक्वल टू 3m, एक तो हम लोग का यहाँ बन गया, देखिए 3m के फॉर्म में हो गया, यस हम लोग एक शो कर दिए। नेक्स्ट केस सेकेंड में क्या है, अब केस सेकेंड हम लोग सॉल्व करते हैं इसका, फॉर r इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 3q+1, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 3q+1 का होल का स्क्वायर। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको निकालिए, इसको ऐसे निकलेगा, ये 3×3 = 9q² और प्लस 1 और 2a भी होता है, तो 3×2 = 6, 6q हो गया। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नहीं देखिए 3×9 = 9q² और प्लस 2q और प्लस 1 बाहर अलग से लिख दीजिए, तो इसको आप सॉल्व करिएगा आप लोग, तो ऐसे नहीं आ जाएगा, देखिए 3×3 = 9, 9q², ठीक, और 3×2 = 6,
सिक्स क्यू और प्लस वन अलग से है। तो हम अब हम ये हो गया इतना और लेट कर लेते हैं, लेट थ्री क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू इज इक्वल टू एम। ओके इतना हम लोगों ने मान लिया। अब देखिए तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री एम और प्लस वन, थ्री क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू, थ्री क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू के एम मान लिए तो थ्री एम और प्लस वन इतना हम लोग को हो गया, समझ में आ गया। देखिए हो गया और थ्री एम प्लस वन यहाँ पे इन दोनों के फॉर्म में पूछा है तो थ्री एम और थ्री एम प्लस वन हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग का टू है, इसको भी हम लोग का ऐसा अभी ख़त्म नहीं हुआ, जितना भी पॉसिबल रिमाइंडर होता है हम सबको हम लोग को केस पे पुटअप करना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे पुट यहाँ पे केस थर्ड ले लेता हूँ मैं, इधर कॉपी के नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ केस केस थर्ड फॉर आर इज इक्वल टू टू। ओके इतना मालूम हो गया आप लोगों को। नाउ एक्स इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस टू, तो एक्स स्क्वायर कितना होगा थ्री क्यू और प्लस टू का होल का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री थ्री जा नाइन क्यू स्क्वायर और प्लस टू टू जा फोर और प्लस थ्री टू जा सिक्स और टू ट्वेल्व, सिक्स थ्री टू जा सिक्स और सिक्स टू जा ट्वेल्व। ए प्लस बी के होल के स्क्वायर पे आप लोग सॉल्व कर लीजिए इसको, ज़्यादा मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। नाउ अब इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, देखिए नाइन क्यू स्क्वायर और प्लस थ्री प्लस वन और प्लस फोर क्यू, सॉरी ट्वेल्व क्यू का, ये ट्वेल्व ही क्यू रहेगा, सॉरी ये ट्वेल्व का यहाँ पे, सॉरी इतना आपको दिख नहीं रहा होगा मेरे उम्मीद से, मेरे ख्याल से। ये देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन क्यू स्क्वायर और फोर को हम लोगों ने स्प्लिट कर लिया है थ्री प्लस वन में, तो हम लोग थ्री कॉमन ले लेंगे इसलिए हम लोगों ने स्प्लिट कर दिया और ट्वेल्व क्यू को उसी तरह रहने दिया हूँ मैं। नाउ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री कॉमन ले लिया और थ्री क्यू स्क्वायर यहाँ पे हो गया, थ्री थ्री या नाइन क्यू स्क्वायर और प्लस थ्री के जगह पे वन ले लिए, थ्री वन या थ्री और वन को इसी तरह रहने दीजिए, ब्रैकेट के बाहर इसको लिखा जाएगा हम लोग, और थ्री फोर क्यू और थ्री फोर जाए ट्वेल्व, ट्वेल्व क्यू और प्लस वन, वन कॉमन नहीं हुआ तो ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा वन। ओके तो अब हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट थ्री क्यू स्क्वायर प्लस वन प्लस फोर क्यू इज इक्वल टू एम, इसको हम लोग एम के फॉर्म में हम लोग इज इक्वल टू एम मान लिए, जैसे हम लोगों ने केस फर्स्ट और केस सेकंड में किया था। देयर फोर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री एम प्लस वन, तो ये भी थ्री एम प्लस के वन के रूप में है, थ्री एम, थ्री एम प्लस वन और थ्री एम प्लस वन। यहाँ पर भी तीनों केस में जो दोनों दिया हुआ है थ्री एम और थ्री एम प्लस वन के फॉर्म में शो करने के लिए हम लोगों ने शो कर दिया। इसी तरह अगर ये क्या बोलते हैं तोड़ मरोड़ करके सिंप्लीफाई करके ऐड करके स्प्लिट करके इसी तरह हम लोग शो किया जाता है किसी भी चीज़ को, याद रखिएगा। तो इसी के साथ हम लोग का शो हो गया और क्वेश्चन नंबर फोर्थ कम्प्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर फाइव के ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल अक्षत मैथमेटिक्स के संग। बाय बाय, थैंक यू।